जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त आज एक और नई औषधि लेकर के आया हूँ। दोस्तों आज एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है। दोस्तों जी हाँ, भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्व है और इसके पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है और सदियों से औषधि के रूप में यूज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता उस घर में भगवान भी रहना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। पर इसके साथ साथ हमारी धार्मिक मान्यताएं और भावनाएं तो जुड़ी हुई ही हैं तुलसी के साथ, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे लिए वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो बहुत ही लाभकारी औषधि है दोस्तों। एक औषधि के रूप में भी तुलसी पत्ता या उसकी टहनियाँ कहें या जड़ें, यानी कि तुलसी के पौधे का हर अंग यानी कि हर चीज हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं तुलसी के पौधे के लाभ। लीवर संबंधी समस्या, तुलसी की 10 से 12 पत्तियों को गर्म पानी से धोकर रोज सुबह खाएं, लीवर की समस्या में यह बहुत ही फायदेमंद है। पेट दर्द होना, एक चम्मच तुलसी की पीसी हुई पत्तियों को पानी के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। पेट दर्द होने पर इस लेप को नाभि और पेट के आसपास लगाने से आराम मिलता है। पाचन संबंधी समस्या, पाचन संबंधी समस्याओं जैसे दस्त लगना, पेट में गैस बनना आदि होने पर एक गिलास पानी में 10 से 15 तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें और काढ़ा बना लें। इसमें चुटकी भर सेंधा नमक डालकर पिएं, आपको चमत्कारिक लाभ दिखेंगे दोस्तों। बुखार आने पर, जी हाँ, 2 कप पानी में 1 चम्मच तुलसी की पत्तियों का पाउडर और 1 चम्मच इलायची पाउडर मिलाकर उबाल लें और काढ़ा बना लें। दिन में 2 से 3 बार यह काढ़ा पिए। स्वाद के लिए चाहें तो इसमें दूध और चीनी भी मिक्स कर सकते हैं दोस्तों, इससे आपका बुखार गायब हो जाएगा। खांसी जुकाम, करीब सभी कफ सिरप को बनाने में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आप जितनी भी सिरप देखते हैं सब में तुलसी पौधा मिक्स होता है। तुलसी की पत्तियाँ कफ साफ करने में मदद करती हैं। तुलसी की कोमल पत्तियों को थोड़ी थोड़ी देर पर अदरक के साथ चबाने से खांसी जुकाम में राहत मिलती है। चाय की पत्तियों को उबालकर पीने से गले की खराश दूर होती है। इस पानी को आप गरारा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सर्दी से बचाव, जी हाँ, बारिश या ठंड के मौसम में सर्दी से बचाव के लिए तुलसी की लगभग 10 से 12 पत्तियां काफी होती हैं दोस्तों। गुर्दे की पथरी, तुलसी गुर्दे को मजबूत बनाती है। यदि किसी के गुर्दे में पथरी हो तो शहद के साथ इसका इस्तेमाल करने से गुर्दे की पथरी गायब हो जाती है दोस्तों। तनाव, तुलसी की पत्तियों में तनाव रोधी गुण पाए जाते हैं। तनाव को खुद से दूर रखने के लिए कोई भी तुलसी के 12 पत्तों का रोज 2 बार सेवन कर सकता है, इससे आपका तनाव चमत्कारिक रूप से गायब हो जाता है दोस्तों। मुंह का संक्रमण, अल्सर और मुंह के अन्य संक्रमण में तुलसी की पत्तियां फायदेमंद साबित होती हैं। रोजाना तुलसी की कुछ पत्तियों को चबाने से मुंह का संक्रमण दूर हो जाता है। त्वचा रोग, दाद, खाज, खुजली और त्वचा की अन्य समस्याओं में तुलसी के अर्क को प्रभावी माना जाता है दोस्तों। सांसों की दुर्गंध, जी हाँ, अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, दुर्गंध आती है तो तुलसी पत्ता उसे गायब करता है। आँखों की समस्या, आँखों की जलन में तुलसी का अर्क बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों। रात में रोजाना श्यामा तुलसी के अर्क को 2 बूंद आँखों में डालिए और इसका चमत्कार देखिए। कान के दर्द में भी तुलसी का पत्ता बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों। तुलसी के पत्ते को सरसों के तेल में भून लें और लहसुन का रस मिलाकर कान में डालें, आपके कान का दर्द गायब हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से तुलसी हमारी अन्य हजारों बीमारियों को दूर करता है दोस्तों। हमें फीवर हो या फिर कैंसर हो, तुलसी जो होता है वो विटामिन सी, कैल्शियम तथा फास्फोरस से भरपूर होता है। तुलसी का तेल विटामिन सी,
कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। तुलसी का तेल मक्खी मच्छरों को भी दूर रखता है दोस्तों। अब कुछ सावधानियां दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि तुलसी पत्ता कितना लाभकारी है और कई चीज़ें हैं जो तुलसी पत्ता खाने से होता है। बस अब हम आते हैं तुलसी पत्ता खाने में कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए दोस्तों कि हमें इसका सेवन कैसे करना चाहिए। अब ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते को मुंह में रखें, उन्हें दांतों से न चबाकर सीधे ही निगल लें। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि तुलसी के पत्तों में धातु के अंश होते हैं जो चबाने पर बाहर निकलकर दांतों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे दंत और मुख रोग होने का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। इसीलिए तुलसी पत्ते को कभी भी दांतों से चबा कर ना खाएं, सीधा निगल जाएं। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी औषधि के रूप में कारगर साबित होगी दोस्तों। धन्यवाद। अगली बार हम आप सबसे मिलेंगे एक और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया।